गुड इवनिंग। आ गए आप लोग सब लोग। अब देखो बताता हूं कि जीवन में टोन कैसे बनाते हैं। ये मैं बैंजू टोन बजा रहा था, ये गिटार से बैंजू बजा रहा था। अब इसमें बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगी, ये गिटार है आप बैंजू बजा रहे थे। भैया ये दिल की बात है, दिल जानता है, ये संगीत है। कैसे समझाएं हम आपको, किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है, वो सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत कुछ दिमाग में मतलब वो चलाना पड़ता है। मैं आज आपको ये जीवन टोन बनाने सिखा दे रहा हूँ। बहुत इजी है और ये वीडियो बहुत लेंदी भी नहीं होगा कि बहुत लंबा चौड़ा ये वीडियो बनाऊंगा। बहुत सिंपल में मैं समझाऊंगा, समझ जाना, आराम से बजाना, मन से बजाना, सारे टोन बजाओ। जिस तरह से डिस्टॉर्शन बजाते हो उस तरह से बैंजू बना लो, इंडियन टोन भी बजाओ, सब बजेगा और सब चीज इस प्रोसेसर में बन सकता है। और ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, ठीक है। और ये जो गिटार देख रहे हो मेरे हाथ में, ये कॉर्ड का ये गिटार है। देखो थोड़ा दिखा भी देता हूँ सबको को। देखो ये कॉर्ड का गिटार है और इस गिटार मेरे लिए बहुत प्रिय इसलिए है क्योंकि ये बहुत मेरे प्रिय स्टूडेंट आशु खन्ना ने मुझे गिफ्ट किया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आशु। तो और इस गिटार के साथ मैं आपको आज टोन बनाने सिखा दे रहा हूं। सीख लो, बहुत सिंपल बता रहा हूं यार, नहीं तो फिर वही रिपीट कर करके वीडियो देखते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। हर जगह यूट्यूब में सर्च करते हैं लोग, हर जगह ढूंढते हैं कैसे है कि टोन कैसे बनना है, कैसे बढ़िया बजना चाहिए, ना हर लोग सोचते हैं ना, लेकिन वो रिप्लाई उसका रिजल्ट कुछ जीरो हो जाता है ना। एक एक पॉइंट समझा देता हूं बढ़िया से, एकदम दिमाग खोल के समझ लो, करना हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं होती। स्टार्ट करता हूं, ठीक है, चलो। अब मैं आपको इसमें टोन बनाने दिखा रहा हूं, ठीक है भैया। काफी मेहनत पड़ा है ये पूरा दिखलाने के लिए, इसलिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो अगर सीखना है तो लास्ट तक देखना, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं इस तरह का वीडियो फिर बार बार नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। अब जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे समझो, उसके बाद सेम उसी तरह से कोई भी टोन आप बना लेना, ठीक है। देखो ये पूरा पूरी ये प्रोसेसर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि जब मान लो कोई टोन हमको बनाना है, जैसे मान लो मैं आपको एकॉस्टिक बना के दिखा रहा हूं, तो करना क्या, सबसे पहले देखो यहां पे एडिट लिखा हुआ ना, इसको क्लिक करना, क्लिक किए, यहां देखो ये टोन लिखा हुआ आ रहा ना। अब यहां पे इसके इस वॉल्यूम को घुमाओ, देखो सब टोन आ रहा ना, क्लीन क्लीन रिदम कोरस है ना, ब्रिट कम्बो ब्लूज, ये हो रहा ओवर ड्राइव डिस्टॉर्शन आ रहा ना, आ रहा, चेंज करते जाओ चेंज करते जाओ। अब देखो एसी गिटार है ना, एकॉस्टिक गिटार, यहां रुक जाओ, एक काम ये करो, सेकंड काम क्या करो, अब यहां पे आ जाओ, ये सारा देखो। अब क्या ये एकॉस्टिक जैसे ये ऑन आया, देखो यहां रेड जल रहा है ना, ये ऑफ हो गया, ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जैसे ये टोन चेंज करोगे ना, देखना वो ऑटोमेटिकली, देखो ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, मतलब ये कंपनी से सेट किया हुआ है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना है, बिना ध्यान से समझो बात को, ठीक है। अब क्या करो, जैसे देखो इतना इफेक्ट इसमें डाला हुआ है, ये एकॉस्टिक गिटार ये बना हुआ, ठीक है। अब इसको बजाएंगे, ये ऐसा टोन आ रहा, चलो यहां क्लिक करो, इसको ऑफ हो गया, इसको क्लिक करो, हाँ एक मिनट, इसको एक्सिट हो जाओ, इसको क्लिक करो, मतलब इसको ऐसे करके दबाओगे लॉन्ग प्रेस तो ये सारा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जब लॉन्ग प्रेस यहां दबा रहे हैं तो वही सारा टोन इसमें भी दिखाएगा आपको, देखो दिखाएगा ना, लेकिन जब छोड़ दोगे, देखो ये एसी देखो लिखा हुआ ना, जो वहां से हम लोग चूज किए थे आया। अब देखो यहां लिखा हुआ बॉडी, अब इसको क्या करो, मैं इसको बनाता हूं टोन, देखो इसको बॉडी को हम कम करते हैं, इसके इफेक्ट को कम किए, अभी इसको जीरो पे छोड़ते हैं, ठीक है। फिर लेवल में आओ, लेवल आओ अपने मन से, मतलब ज्यादा हाई मत करना, 70 73 रहने देना, एक यहां बनाना, ये इंटर बटन है ना, फिर इसको एक बार क्लिक करो,
अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन इसमें दिखा रहा है लो का, तो इसको क्या करो, ज्यादा हाई करने की कोशिश मत करना, लो ही सेट करना, क्योंकि फिर इसको आप बजाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये आ गए, अब ये देखो ये ऑफ हो गया, ये है ना, अगर इसको ऑन करेंगे ना तो देखो इतना इफेक्ट, देखो ये ऑन हो गया, ये इतना इफेक्ट इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इसको ऑफ ही कर दो, ठीक है। यहाँ पे आओ प्री एम्प में, इसको लॉन्ग प्रेस करो, क्लियर किया। अब देखो इसमें ये टाइप है जो एकॉस्टिक के साथ आप रख सकते हो, यहाँ से कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले ये ध्यान रखना कि वो शोर ना करे। यहां लाओ इसको, इसमें और ऑप्शन एक आएगा, यहां रखो तो इसको, नेचुरल क्लीन में आओ, यहां है गेन 50 है ना, इसको थोड़ा गिराओ, 47 लेवल बढ़ाओ, यहां इंटर को फिर से क्लिक करो, यहां पे देखो इसमें आ रहा है बेस, मीड को थोड़ा कम करो क्योंकि मीड मेरे को उतना पसंद नहीं है, मैं मीड ही कम ही रखता हूं, ट्रिपल बढ़ाओ, ये सारा चीज आप अपने से अपने मुताबिक आप एडजस्ट कर लेना। ये आ गया, फिर से इंटर क्लिक किए, देखो अब इसमें ये जो ऑप्शन आ रहा है रिजोल्यूशन, देखो ये ठीक है, यहां पे इसको यहां तक आ गए, ठीक है। अब क्या करो, फिर इंटर क्लिक करो, क्लियर है, ये सारा हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। अब फिर इसमें आ जाओ, एफएक्स मोड आना है या फिर इसमें, दो ऑप्शन इसको क्लिक करो, ठीक है, ये ऑन है, देखो ये इतना चीज इसमें आपको शो कर रहा है। अब इसमें ये देखो फास्ट स्पीड यहां रहने दो, सेकेंड वेव बॉलिंग को क्लिक करोगे रेट इसका स्लो, एक बार इसको फिर से इंटर क्लिक करो, ये जस्ट समझाने के लिए आप इसको एडजस्ट कर लेना, काम चल जाएगा। अब थोड़ा सा डिले ज्यादा आ रहा है, अब इसमें डिले में जाओ, ये पहले अच्छा अच्छा डिले में आ जाओ, डिले में देखो, अब डिले में यहाँ पे टाइमिंग इसका फीडबैक कम कर दो, लेबल को उतना ही रहने दो, अगर इसमें भी अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे ना, देखो इसमें भी इतना ऑप्शन आएगा, आप इसमें चाहो तो कोई भी ऑप्शन को आप रख सकते हो, देखो लॉन्ग प्रेस किए इस बटन को, अब इसमें मान लो हमको ये डिले नहीं अच्छा लग रहा तो इसको यहां से चेंज करेंगे, देखो किसी में चले जाओ, ठीक है, इसमें आ जाओ टैब इको में, अब टाइमिंग यहां से इसका कम कर दो,
ज्यादा मत रखना, नहीं तो वो टोन बेकार हो जाता है। थोड़ा सा और इसका फीडबैक बढ़ाओ। अब यहां रिवर्ब में आओ, इसको फिर से एक बार इंटरफेस करो। ये देखो ये चीज है, कोई भी टोन आप इस पर जैसे हम चेक कर रहे हैं वैसे आप चेक करना, और उसके बाद ये होल्ड इसको छोड़ दो, ये लेबल थोड़ा कम करो इसको, रिवर्ब में आओ इसी तरह से, ठीक है। अब रिवर्ब में इसको इतना एक बार लॉन्ग प्रेस करोगे तो देखना इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, पर रिवर्ब में आ गया। अब इसमें यहां से देखो हॉल में जाओ, ठीक है, टाइमिंग इसे घटाओ। अब ये टोन मान लो, रिवर्ब को ऑफ कर दो, अब इसमें आप स्ट्रमिंग भी बजा सकते हो, एक्चुअली मेरा एम्पलीफायर थोड़ा सा उतना अपडेटेड नहीं है इसलिए कुछ कुछ साउंड इसका क्रैक करता है। अब क्या है कि अगर आपको इसमें और भी इतना बन गया, अब इसके बनने के बाद मान लो कुछ चेंज करना है, तो फिर यहां से आए यहां पे इसमें आने के बाद फिर इसकी बॉडी को लेबल को बढ़ाए तो बॉडी को, तो ऐसे करके सारा को चेक किए, ठीक है। अब क्या करो, इस टोन को सेव करना है, तो सेव कैसे करोगे, ये देखो ये एग्जिट और इंटर लिखा हुआ ना, ये दोनों को एक बार एक साथ क्लिक करो, क्लिक कर दिए। अब देखो ये राइट का ऑप्शन है या फिर एक्सचेंज का, एक्सचेंज भी आप इधर से घुमाओ फिरोगे तो ये दूसरी जगह पे सेव हो जाएगा। ये राइट का ऑप्शन में जाओ और इंटर ये है ना, इसको फिर से क्लिक करो, फिर एक बार क्लिक करो। देखो ये ले लिया सेव, अब इस जगह भी एक ऑप्शन बन गया। ये तरीका होता है, इस तरह से आप कोई भी टोन इसमें बना सकते हो। अच्छा एक चीज और देखो, ट्यूनिंग के लिए ये दोनों एक साथ प्रेस करोगे ट्यूनिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है, ये ट्यूनिंग मोड में आ गया। फिर यहाँ से एग्जिट हो जाओ, लूपर चलाना है, इसको एक साथ ऑन करो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बार एक साथ ऑन करने पर देखो लूपर ऑन हो गया, अब इसको प्ले करना है रिकॉर्डिंग, देखो ऑन करो, अब इसको प्ले करो, देखो प्ले हुआ। सिंपल सा चीज है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लूपर ऑफ करना, ये ऑफ हो गया यहाँ से, ठीक है। अब एक बार आप खुद से ट्राई करो और बना के देखो, मेरे हिसाब से इजी है, कुछ नहीं। हाँ ये स्विचेस दिए हुए रहते हैं काफी, इसलिए आप लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, घाटना पड़ेगा, तब आप सीखोगे, अदरवाइज तो भाई नहीं सीख पाओगे। चलो चलता हूँ, टाटा बाय बाय, इसी तरह मेरे को फॉलो करते रहो, अच्छी अच्छी वीडियो मैं जैसे दे ही रहा हूँ और दूंगा भी जो आपके काम का हो। ओके टाटा।